सोयाबीन की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से लगातार दबाव दिख रहा है और कीमतें 10 महीने के निचले स्तरों पर चली गई हैं। सोयाबीन की गिरती कीमतों के पीछे क्या कारण है, आइए एक नज़र डालते हैं। सोयाबीन की कीमतें विदेशी बाजारों में भी गिरावट दिखा रही हैं। दिसंबर 2020 के निचले स्तरों पर सोयाबीन कामकाज करता दिखाई दिया है। लगातार चौथे सेशन में सोयाबीन की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। वहीं शिकागो फ्यूचर्स में भी गिरावट देखने को मिली है और USDA में 1 सितंबर तक 25.6 करोड़ बुशल का स्टॉक हो गया है। माना जा रहा है कि नई फसल आने से सोयाबीन में दबाव बढ़ेगा। चीन US के बीच बढ़ता तनाव, चीन की तरफ से मांग को लेकर बढ़ती चिंता सोयाबीन में गिरावट की वजह है। साथ ही ग्लोबल सोयाबीन उत्पादन बढ़कर 740 लाख टन संभव है। वहीं अगर खपत की बात की जाए तो खपत के मुकाबले ऑयल सीड उत्पादन में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। वहीं ग्लोबल ऑयल सीड रकबा भी तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इसी बीच खाने के तेलों में इम्पोर्ट ड्यूटी घटने से भी सोयाबीन में दबाव देखने को मिला है। जेनेटिकली मॉडिफाइड सोया मील का इम्पोर्ट भी बढ़ा है। वहीं ग्लोबल सोयाबीन प्रोडक्शन भी बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। इन सभी कारणों के चलते सोयाबीन में गिरावट बढ़ी है। जानकारों की माने तो आगे आने वाले दिनों में फिलहाल सोयाबीन की कीमतों में तेजी नहीं है। सोयाबीन की कीमतों में गिरावट आगे बढ़ सकती है, इसीलिए सोयाबीन में फिलहाल खरीदारी से बचना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।